हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल में। एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने यहां पर बोला है कि रशिया और यूक्रेन का जो ये वार चल रहा है, इसमें जो इंडिया की जो पोजिशन है वो बहुत ज्यादा शैकी पोजिशन है। देखिए उन्होंने ऐसा क्या बोला है और क्या इसका शैकी का मीनिंग होता है और कैसे ये इंडिया को अफेक्ट करता है, कंप्लीट मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। रिसेंटली अपना बयान देते हुए पर जो बाइडेन ने बोला है कि देखिए नेटो और क्वाड जो है, क्वाड कंट्रीज, वो सब यहां पर मिलकर के रशिया के खिलाफ प्रतिबंध लगा रही हैं यहां पर, और यहां पर सभी जो देश हैं उसमें उनका यूएसए का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो स्टांस है यहां पर वो थोड़ा शैकी है। शैकी का मतलब होता है कि थोड़ा कमजोर है इंडिया का जो स्टांस है रशिया के प्रति, वो थोड़ा कमजोर है और हम इंडिया के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो रशिया के ऊपर ज्यादा सैंक्शन यहां पर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूं, किसी भी बात को समझने के लिए आप दोनों तरफ से बात को समझिए। पहले मैं यहां पर अमेरिका का पक्ष रखता हूं। देखिए जो बाइडेन के साथ आजकल हो क्या रहा है, जो बाइडेन अभी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, अमेरिका में फ्री मीडिया है और वो फ्री मीडिया उनसे यहां पर सवाल कर रहा है कि ये जो हो रहा है यूक्रेन में, आप इसको रोकते क्यों नहीं है, कैसे वहां पर सिविलियंस मारे जा रहे हैं। हालांकि रूस के भी 10,000 सोल्जर्स मर चुके हैं, रूस को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। अब रूस अपने सोल्जर्स की जो मौत है उसको बेकार यहां पर नहीं लगता है कि वो जाने देगा और वो यूक्रेन को इवेंचुअली कब्जा ही लेंगे, लेकिन हम यही चाहेंगे कि यहां पर न्यूक्लियर अटैक यूक्रेन के ऊपर ना हो, हम ऐसा जरूर चाहेंगे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा यहां पर एक बड़ी ह्यूमन क्राइसिस यहां पर इस सेंचुरी का खड़ा हो सकता है। यूएस मीडिया यहां पर ये बोल रहा है जो बाइडेन को कि देखिए आप यहां पर रशिया के अगेंस्ट खड़े हैं, लेकिन यहां पर जो भारत है वो रशिया से यहां पर कंटिन्यूअसली ऑयल परचेज कर रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं है। तो जो बाइडेन यहां पर बोल रहे हैं कि देखिए मैंने यहां पर बहुत सारे सैंक्शन यहां पर उनके ऊपर लगाए हैं, इससे ज्यादा मैं कर ही क्या सकता हूं। रिसेंटली मैं आपको बताऊंगा कि भारत ने पूरी दुनिया को के सैंक्शन को दरकिनार करते हुए रशिया से यहां पर क्रूड ऑयल ज्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि रशिया ने हमको 25 से 27% का क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उससे कम में क्रूड ऑयल प्राइसेस देने की बात की है। और जो वहां पर जो कंटेनर शिप होंगी जो क्रूड ऑयल को लेके आएंगी वो भी रशिया से ही होंगी, उनका भी फीस हमको पे करने का जरूरत नहीं है। आज के टाइम में इस वार की वजह से जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वार से पहले क्रूड ऑयल 60 से 62 डॉलर पर बैरल के आसपास चल रहा था, लेकिन अभी वो 115-120 डॉलर पर बैरल यहां पर क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। तो इस वजह से यहां पर भारत क्या है, अचानक से भारत ने रशिया से ज्यादा यहां पर क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि रशिया ने हमको कम रेट पर यहां पर क्रूड ऑयल प्रोवाइड करना शुरू किया है। इससे पहले हम रशिया से अपनी जरूरत का केवल 1 से 2% क्रूड ऑयल ही हम परचेज करते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा भारत में हमको जितनी भी क्रूड ऑयल की जरूरत होती है उसका 85% से 86% हम यहाँ पर इंपोर्ट ही कराते हैं। 60% जो इंपोर्ट होता है वो गल्फ कंट्रीज से होता है, इसमें इराक से 23% है, सऊदी अरेबिया से 18%, यूएई से 11% और अमेरिका से भी हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर 7%। अभी इसको बढ़ाने वाले हैं और इन फ्यूचर आप देखेंगे कि अमेरिका से जो क्रूड ऑयल यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे उसका टोटल शेयर हो जाएगा 11%। तो अमेरिका से जो क्रूड ऑयल है उसका यहाँ पर शेयर बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो मेन यहाँ पर मुद्दा हो जाता है वो हो जाता है कोस्ट का। हम अगर यहां पर हमको 60 डॉलर पर बैरल के हिसाब से हमको क्रूड ऑयल मिले तो एक साल में हम करीब 65-66 बिलियन डॉलर में हमारा यहां पर पूरा इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इस रेट पर यहां पर हम यहां पर क्रूड ऑयल परचेज करेंगे जो अभी इंटरनेशनल मार्केट में रेट है, तो हमारा जो क्रूड ऑयल का जो पूरा इंपोर्ट होगा वो 125 बिलियन डॉलर तक भी जा सकता है, यानी कि 60 से 65 डॉलर बिलियन का हमको यहां पर घाटा होगा। और कोई भी देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि किन्हीं दो देशों की वजह से ऐसा होने वाला है क्या, क्योंकि जब यूएसए ने यहां पर ये नेटो में यूक्रेन को शामिल करने की बात की तो क्या उन्होंने भारत से पूछ के ऐसा किया था, तो भारत यहां पर क्यों अपना नुकसान झेले। इसके अलावा मैं इंडिया का स्टांस आपको यहां पर बताना चाहूंगा। एक तो क्रूड ऑयल हो गया, दूसरा हो गया फर्टिलाइजर। देखिए हम रशिया से बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यहां पर इंपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन होता है वो रशिया में ही होता है। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, देखिए फर्टिलाइजर का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमको बहुत ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस की जरूरत होती है, तो रशिया में नेचुरल गैस बहुत ज्यादा है इसलिए रशिया यहां पर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करता है। हम हर साल 19 बिलियन डॉलर फर्टिलाइजर में सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड करते हैं, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। क्रूड ऑयल को आप सोचेंगे कि हाँ बहुत जरूरी है इकोनॉमी को चलाने के लिए, लेकिन फर्टिलाइजर भी उतना ही जरूरी है। फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं तभी हम हर साल इतना गेहूं अनाज यहां पर और चावल यहां पर उगा पाते हैं। 19 बिलियन डॉलर का सब्सिडी हम यहां पर हर साल अपने किसानों को प्रोवाइड करते हैं। अगर हम रशिया से फर्टिलाइजर का इंपोर्ट यहां पर हम बैन कर देते हैं तो इससे होने वाला क्या है, देखिए अभी के लिए बैन हो चुका है, हम रशिया से अभी के लिए फर्टिलाइजर इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर हम करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इससे यहां पर होगा क्या, फर्टिलाइजर के रेट न बढ़े उसके लिए हमको सब्सिडी यहां पर ज्यादा देनी पड़ेगी, हो सकता है 10 से लेकर 11 बिलियन डॉलर सब्सिडी हमको ज्यादा देनी पड़े। जो अभी 19 बिलियन डॉलर का सब्सिडी हम दे रहे हैं फर्टिलाइजर पे वो हो सकता है 30 बिलियन डॉलर के आसपास भी चला जाए, और हम जो खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं अपने देश में
और जो फर्टिलाइजर है, इन दोनों का अगर सब्सिडी हम मिलाएं तो 40 बिलियन डॉलर का सब्सिडी हम हर साल अपने देश में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। 40 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट केवल 11 बिलियन डॉलर है और उसी के दम पर पाकिस्तान भारत को बार बार चैलेंज करने के सपने यहाँ पर देखता रहता है। तो 40 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसमें अगर हम 11 बिलियन डॉलर केवल फर्टिलाइजर में बढ़ा देंगे तो हमारा यहाँ पर राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ जाएगा। और क्रूड ऑयल जो कि 60 से 62 बिलियन डॉलर में एक साल में हम इंपोर्ट करा लेते हैं वो 125 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा, तो उसमें भी हमारा बहुत बड़ा यहाँ पर घाटा होने वाला है। फर्टिलाइजर पे 10 बिलियन डॉलर और क्रूड ऑयल पे अगर हम बात करें तो 62 से 63 बिलियन डॉलर का अगर हमको घाटा होता है तो हमको करीब 73-74 बिलियन डॉलर का घाटा होने वाला है। हमारे देश को इतना पैसा हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करने के लिए। और ये सब हो रहा है यहाँ पर रशिया की वजह से, क्योंकि रशिया का जो मेन यहाँ पर नेटो है उसका मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो जो नॉर्थ अटलांटिक है उसके आसपास की जो कंट्री है उनको प्रोटेक्ट करने का। लेकिन अभी अमेरिका यहाँ पर क्या कर रहा है, अमेरिका यूरेशिया में भी घुसा जा रहा है। जो रशिया के जो पार्ट हुआ करते थे, यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था, उनको भी नेटो में शामिल करने जा रहा है। तो अगर अमेरिका ऐसा बेवकूफी कर रहा है तो फिर उसका हम क्यों अपनी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन डालें? हम वैसे ही एक डेवलपिंग नेशन है, हम डेवलप्ड नेशन नहीं है, हमको अपना राजकोषीय घाटा यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर का हम पिछले दिनों जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे एक दिन की विजिट पर, तब हमने बहुत बड़ी डील के बारे में उनसे बात की थी, जो कि कई सालों की एक डील थी, जो कि S-400 और जो हम अदर डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट करते हैं रशिया से उनसे बहुत बड़ी डील हमने फर्टिलाइजर की थी। लेकिन अभी के लिए इन सैंक्शंस की वजह से ये डील यहाँ पर हमको कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 72-74 बिलियन डॉलर यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट होता है कि पिछले साल का हमारा जो डिफेंस बजट था वो केवल यहाँ पर 70 बिलियन डॉलर ही था। तो यहाँ पर सिचुएशन भारत के सामने आ गई है। और इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूंगा हमारे देश की जो जनता है उसका सेंटीमेंट यहाँ पर क्या कहता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश को बच्चे बच्चे को आज ये बात पता है कि 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम में रशिया यहाँ पर, रशिया की 5th फ्लीट यहाँ पर भारत के ऊपर अटैक करने वाली थी और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर इंडियन ओशियन में आकर के खड़े हो गए थे। तब यहाँ पर रशिया की जो सबमरीन जो पानी में थी वो सरफेस पे आ गई थी और उन्होंने भारत को यहाँ पर उस अटैक से बचाया था। और उस अटैक में श्रीलंका भी पाकिस्तान की साइड हो गया था, श्रीलंका में बहुत सारे पाकिस्तानी जेट को यहाँ पर रिक्यू किया जा रहा था। तो श्रीलंका भी एक बहुत बड़ा गद्दार देश है, आज भले ही हम उसकी कितने भी यहाँ पर मदद कर रहे हो और पास्ट में भी की है। तो ये सारा कंप्लीट सिनेरियो है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूंगा अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसका एवज में यहां पर क्या सुझाव दिया है। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर बोला है कि देखिए जो होना था वो हो गया है, आपको जो हो गया अब उसके बारे में नहीं सोचना है, जो आगे होने वाला है उसके बारे में सोचना है। जो यूक्रेन के साथ हुआ है, कल को वो इंडो पैसिफिक रीजन में ना हो आपको इसके लिए तैयारी करनी होगी। और नरेंद्र मोदी जी की बात में यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 100 नहीं 110% उनकी बात में दम है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। जब कोल्ड वॉर शुरू हुई यूएस और रशिया के बीच में तो रशिया यहां पर हर चीज में बहुत आगे था, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी, उनके पास मिलिट्री बहुत एडवांस थी, लेकिन एक चीज में यहां पर रशिया पीछे रह गया था, वो था इकोनॉमी। रशिया ने यहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाया और अपनी इकोनॉमी को यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग उन्होंने नहीं किया था। इसके अलावा अमेरिका में थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो अमेरिका के पास पैसा ज्यादा था और उस कोल्ड वॉर में आप जानते हैं कि अमेरिका जीता और रशिया के बहुत सारे टुकड़े हो गए थे 1991 में 1991 में। लेकिन अब बात आती है चाइना की, चाइना ने यहाँ पर क्या सीखा है, कम्युनिस्ट शासन ले लिया है रशिया से और जो अर्थव्यवस्था कैसे रन करनी है पूंजी अर्थव्यवस्था ये सब सीख लिया है यूएस से। तो जो भी कमियां यूएसएसआर में थी, सोवियत संघ में जो भी कमियां थी, वो सारी कमियां चाइना ने दूर कर ली है। और चाइना का जो चैलेंज है मैं आपको बता देना चाहूंगा ये इतना बड़ा चैलेंज होगा, अमेरिका ने अपने इतिहास में इतना बड़ा चैलेंज नहीं देखा होगा। हो सकता है कि आने वाला जो टाइम है जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगी, जब अमेरिका और चाइना और ज्यादा आमने सामने होंगे, जो बाइडेन इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत दूरदर्शी यहां पर लीडर थे, वो इस बात को समझ रहे थे। उन्होंने अभी भी बोला है कि जो बाइडेन जैसा ये डंब यहां पर लोग आ गए हैं, इनकी वजह से अफगानिस्तान क्राइसिस खड़ा हो गया, यूक्रेन क्राइसिस खड़ा हो गया और अभी ताइवान क्राइसिस भी खड़ा होने वाला है, ऐसा जो बाइडेन ने बोला है। लेकिन जब जो बाइडेन थे तो ये बात रियलाइज करने वाली थी कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पीस और यहां पर स्टेबिलिटी थी। तो चाइना जो चुनौती अभी देने वाला है, चाइना इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पूरी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, अमेरिका भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर चाइना यहां पर एक्सपोर्ट रोक देगा तो अमेरिका भी घुटनों के बाद यहां पर आ सकता है, अमेरिका हो सकता है लड़ाई हार जाए। तो यहां पर चाइना ने इस कदर दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया है, अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा यहां पर उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया है, कमाल का यहां पर उन्होंने वो दिखाया है। तो जो चुनौती है यहां पर आने वाली, जो चुनौती है वो चीन से मिलने वाली है, रशिया से नहीं। रशिया के ऊपर तो ऑलरेडी इतने प्रतिबंध लग चुके हैं और रशिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पर नहीं थी, जैसी भारत की इकोनॉमी है उससे भी, बस भारत की इकोनॉमी भी बेटर है आज के टाइम में रशिया से। तो जो चुनौती है वो चीन से मिलने वाली है और नरेंद्र मोदी जी यहां पर यही बोल रहे हैं कि जो चुनौती जो फ्यूचर में आने वाली है अब टाइम है उससे निपटने का। इसके
अलावा यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बोला है कि देखिए हम ईरान में यहाँ पर ईरान से फर्टिलाइजर यहाँ पर खरीदना चाहते थे और ईरान में हम जाकर वहां पर फर्टिलाइजर की फैक्ट्रीज हम सेटअप करना चाहते थे क्योंकि ईरान में नेचुरल गैस बहुत है, हम वहां पर फर्टिलाइजर बनाते और फर्टिलाइजर वहां से हम इंपोर्ट करा लेते, लेकिन यूएस के जो सैंक्शन है उसकी वजह से हम ये सब नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ईरान से नेचुरल गैस अगर हम खरीदे जो कि हमको पास में पड़ती है और ज्यादा सस्ती पड़ेगी, उससे हम इंडिया में इंपोर्ट करके फर्टिलाइजर बनाए तो वो भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि और यहाँ पर यूएस के जो सैंक्शन है वो ईरान के ऊपर लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। और आम जनता में आपको बता देना चाहूंगा, भारत में आपको 100 में से बहुत सारे आदमी ऐसा मिल जाएंगे जो कि अमेरिका को गाली देंगे, जो बाइडेन को यहाँ पर बुरा भला कहेंगे, लेकिन भारत की जो आम जनता है वो यहाँ पर मैंने रियलाइज किया है कि व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में खड़ी है, रशिया के पक्ष में खड़ी है। तो अगर भारत की गवर्नमेंट यहाँ पर यूएस के दबाव में आकर के, वैसे तो यूएस की तरफ से अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर दबाव नहीं आ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का क्लियर स्टांस है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, आप हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर रिसेंटली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी ये बयान दिया है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है कितनी आजाद है, यहाँ पर वो यहाँ पर क्वाड का भी मेंबर है और रशिया से तेल भी खरीद रहे हैं। ये खैर ये पता नहीं है इन लोगों को, ये पाकिस्तान वाकिस्तान की तो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, कभी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था इस वीडियो का। जो बाइडेन ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पर ये किया है कि रशिया पर सैंक्शन तो पहले लगा दिए हैं और यहाँ पर ईरान और वेनेजुएला का जो बोल रहे थे कि उनका जो ऑयल था हम मार्केट में रिलीज करवा देंगे, अभी तक वो रिलीज नहीं हो पाया है। ईरान के साथ उनकी कोई डील यहाँ पर नहीं हो पाई है जो कि उन्होंने करने की कोशिश की थी। बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिप्लोमेट्स थे वो ईरान और वेनेजुएला के दौरे पर भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट यहाँ पर अभी के लिए आते हुए हमको नहीं मिल रहे हैं। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।